Hello friends, welcome to Study Hacker. I hope you all are doing well and preparing well for your examination. तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी idiom की एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको सारे idiom करवाऊंगा A to Z. मतलब क्या है कि आपके 99% idiom इसमें कवर हो जाएंगे. मैं 1% इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कुछ idioms नए होते हैं जो add होते हैं, जो बार बार repeat नहीं हुए होंगे तो वो सब इसमें add कर सकते हैं. एक और, ये वोकैब कौन से होंगे, तो ब्लैक बुक के. और कितने वोकैब मैं करवाऊंगा, तो अप्रॉक्स 1400. ठीक है, इससे ज्यादा भी होंगे क्योंकि लास्ट में क्लास में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी idioms करवाऊंगा जिससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और एकदम इजी वे जिसके बाहर कुछ नहीं होगा. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने ये कुछ पिक लगाई है कि ऐसे ही आपको पिक्चर टेक्निक का यूज करते हुए बहुत इजी वे में सारे idioms क्लियर करवा दूंगा. और आज हमारा एपिसोड 3 है, 40 से 45 एपिसोड होंगे क्योंकि एक दिन में मैं 20 से 25 idiom करवाता हूँ ताकि आप आसानी से याद कर पाओ. और अभी तक आपने एक भी लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 40 idioms ऑलरेडी कर रखे हैं. तो चलिए बिना देरी के शुरू करते अपने नेक्स्ट idiom को और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट idiom कौन सा है. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट idiom है वो है अ गोल्डन मीन. मतलब क्या होता है, बीच का रास्ता. मीन मतलब यही होता है कि जो एक्सट्रीम के बीच में जो हो, ठीक है, ना कोई चीज कम हो ना कोई चीज बहुत ज्यादा हो, उसके बीचों बीच का जो रास्ता होता है उसी को बोलते हैं अ गोल्डन मीन. और यही मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क में भी पूछा था, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल, उसी को बोलते हैं क्या, गोल्डन मीन. ओके, चलिए आपके लिए मैंने सेंटेंस भी रखा, आप चाहो तो इस सेंटेंस को देख लो एक बार कि कैसे इसको सेंटेंस में यूज करते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं. नेक्स्ट जो है वो क्या है, अ गुड सेमेरिटन. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेमेरिटन पढ़ते. सेमेरिटन क्या होता है, जो एक बलवान हीरो टाइप का होता है, ठीक है, जो सबकी मदद करे. ठीक है, अ गुड सेमेरिटन मतलब मददगार व्यक्ति जो सबकी क्या करे, मदद करे. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सेमेरिटन. ठीक है, आप इसको क्या बोलोगे, सेमेरिटन. कौन होता है, एक हेल्पफुल पर्सन होता है. अब पिक्चर से देख पा रहे होंगे कि ये बंदा गिर गया था, इसको चोट लग गई, तो ये एक अच्छा व्यक्ति था, हेल्पफुल. वो आया, उसके सर पे पट्टी बांधा, ठीक है, उसकी हेल्प की. ओके, अ गुड सैमरिटन स्टॉप टू हेल्प मी चेंज माई टायर. एक अच्छा व्यक्ति, मददगार व्यक्ति रुका और मुझे मेरे टायर बदलने में मदद की. ठीक है, मेरी हेल्प की किस चीज में, तो चेंज माई टायर ऑफ माई कार. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं. नेक्स्ट है अ ग्रीन हॉर्न. मतलब क्या होता है, एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति. ठीक है, ग्रीन मतलब अगर आप देखो ग्रीन हॉर्न, हरा हरा हॉर्न निकला है, ठीक है, तो वो मैच्योर नहीं है अभी. ठीक है, जैसे आप देखते होगे कि पेड़ की जो तना होती है सबसे पहले जो निकलती है वो बहुत हरी होती है क्योंकि वो मैच्योर नहीं होता, आसानी से टूट जाता है क्योंकि उसको कुछ अनुभव नहीं होता. जैसे जैसे वो मैच्योर होता है वो ब्राउन होते जाता है, ठीक है, उसके ट्रंक. तो इसलिए कहा गया अ ग्रीन हॉर्न किसको बोलेंगे, एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन. ठीक है, जैसे कि देख लो अगर आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो ट्रिप पे, तो कोई नया व्यक्ति जो नया नया गाड़ी सीखा होगा तो आप क्या बोलते हो कि सी इज और ही इज अ ग्रीन हॉर्न, कि वो इनएक्सपीरियंस है, आपको बड़े डर लगता है कि उनके साथ कैसे हम ट्रेवल करें. सी इज ग्रीन हॉर्न इन ड्राइविंग. वो क्या है, ड्राइविंग में नौसिखिया है, अनुभवहीन व्यक्ति है. सो बी केयरफुल व्हाइल सीटिंग बिसाइड हर. ठीक है, तो अपना ध्यान रखना अगर उसके साथ बैठ के आप कहीं जा रहे हो तो. चलिए नेक्स्ट idiom की बात कर लेते हैं. नेक्स्ट idiom है अ ग्रे एरिया. ग्रे एरिया कैसा होगा, एन अनक्लियर सिचुएशन. आप ऐसे याद रखो कि जो ग्रे कलर होता है, ठीक है, ना तो वो ब्लैक होता है और ना क्या होता है, व्हाइट होता है, वो दोनों के बीच में होता है. तो आप क्लियर नहीं कर पाते, अगर बहुत दूर से देखो तो आपको क्या लगेगा कि वो कुछ ब्लैक ब्लैक है, नजदीक आके देखो तो लगे कुछ व्हाइट व्हाइट है, मीडियम में रहो तो आप उसको प्रॉपर डिस्टेंस से देखो तभी आपको क्या दिखे, ग्रे दिखे. इसलिए अ ग्रे एरिया क्या होता है, एन अनक्लियर सिचुएशन. द न्यू रूल हैज अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया. जो नए रूल्स हैं उसमें बहुत सारे क्या है, ग्रे एरिया है, मतलब अनक्लियर सिचुएशन. तो आप सेंटेंस में इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं. नेक्स्ट है अ हेयर्स ब्रेथ. मतलब क्या है, अगर आप बाल देखो तो बाल का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, बहुत ही बारीक होता है. तो जब आप किसी भी चीज का बहुत ही बारीकी से विवरण देते हो उसी को बोलते हैं अ हेयर्स ब्रेथ. ठीक है,
टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में जितना पॉसिबल अमाउंट होगा बहुत ही विस्तार रूप से, ठीक है, आप उस चीज के बारे में बताते हो। ही इज अ हेयर्स ब्रेथ अहेड, आई नीड टू रन फास्ट। क्या है कि वो मेरे से बहुत ही बारीक आगे है, तो मुझे क्या होगा, थोड़ा सा फास्ट दौड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसको ओवरकम करूं। ओके, देख पा रहे होंगे आप इस पिक्चर से। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ हेयर ब्रेथ स्केप, ठीक है, बाल की इतना क्या करो, उसके ब्रेथ की इतना, उसकी जगह की इतना से स्केप कर जाओ, बच जाओ, मतलब बाल बाल बचना, इसी को बोलते हैं बाल बाल बचना। और ये मैंने आपको करवाया है अ नैरो स्केप, ठीक है, ये भी करवाया तो आपको ये चीज याद होगी, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देख पा रहे होंगे कि ये एक्सीडेंट से कैसा बचा, बाल बाल बचा, नहीं तो यहाँ पे ये क्या हो जाता, एक्सीडेंट हो ही जाता, और ये तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन ये बंदे क्या हुए, बाल बाल बच गए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, कोई जो नट है, अखरोट है, वो बहुत ही हार्ड है, मतलब क्या है, लोहे के चने चबाना, तो लोहे के चने चबाना क्या होगा, बहुत ही मुश्किल काम होगा, तो जो नट हार्ड होगा उसको आप क्रैक जल्दी कर नहीं पाओगे, मतलब क्या है, डिफिकल्ट टास्क, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ टफ चैलेंज, अ डिफिकल्ट पर्सन। या तो टास्क डिफिकल्ट होगा, या प्रॉब्लम ऐसा डिफिकल्ट होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे, या कोई चैलेंज बहुत ही डिफिकल्ट मिल जाए, या कोई पर्सन बहुत डिफिकल्ट हो, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो अ हार्ड नट टू क्रैक। देख पा रहे होंगे पिक्चर से ये नट क्या है, बहुत ही हार्ड, ये क्रैक नहीं कर पा रहा है, पूरा मुंह बना रहा है, पूरा जोर लगा रहा है कि हाँ मैं इसको क्रैक कर पाऊं, लेकिन क्रैक नहीं कर पा रहा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में। द लास्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, तो मैथ के जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट का देखो एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन जो आप लास्ट में करना चाहते हो, वो क्या होता है, हार्ड नट टू क्रैक, बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, ठीक है, हॉर्नेट क्या होता है, हॉर्नेट आपने देखा हो, किसको बोलते हैं, ततैया को, ठीक है, ये पीली वाली जो होती है ततैया होती है, तो वो क्या होगा, अप्रिय स्थिति होगा, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, ठीक है, अगर आपके माथे के ऊपर हॉर्नेट नेस्ट हो, अगर आप हाथ लगाओ तो फिर क्या होगा, वो आपको डंक मार देगी, तो आपके लिए क्या होता है, अनप्लीजेंट सिचुएशन होता है, अ ट्रबलसम सिचुएशन, मुसीबत वाला सिचुएशन होगा। ओके, देख पा रहे होंगे आप, याद रखना हॉर्नेट वो ततैये जैसे होते हैं, जो काट लेंगे डंक मार देंगे तो आप बहुत ही परेशानी में आ जाओगे, तो उस नेस्ट को देखोगे तो आप कैसे हो जाओगे, ट्रबल सम में आ जाओगे, अनप्लीजेंट सिचुएशन हो जाएगा आपके लिए। आइए सेंटेंस में देखें इसका उपयोग कैसे होता है। हिज रिमार्क्स ऑन वोमेन स्टीर्ड अप अ हॉनेस्ट, ठीक है, उसका जो रिमार्क था महिलाओं पे, उसने क्या किया, स्टीर कर दिया, हिला दिया, किसको, हॉर्नेट नेस्ट को, ततैये के छत्ते को हिला दिया, मतलब क्या, अब ततैये उसको डंक मार देगी, मतलब मुसीबत वाली सिचुएशन में पड़ गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ हॉट पोटैटो, और पोटैटो हॉट होगा तो सब उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, अरे यार तुमने देखा वो जो आलू था बहुत हॉट था, मैंने उसको ऐसे छीला, इतना हॉट होने के बाद भी, तो क्या होगा, एक कंट्रोवर्शियल इशू बन जाएगा जिसके ऊपर आप विवाद करते रहोगे। अब पिक्चर से देख लो कि ये हॉट पोटैटो ये इसको दे रहा है कि नहीं तुम इसको पकड़ लो, नहीं तुम पकड़ लो, तो इस बात पे क्या हो जाएगा, बात विवाद हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे याद रखना, हॉट पोटैटो आपके हाथ में गर्म पोटैटो था, अपने दोस्त को दिया, वो आपको दे रहा है, मतलब कंट्रोवर्शियल इशू आप लोगों के बीच में हो रहा है। सेंटेंस देख लो। द लीगैलिटी ऑफ एबॉर्शन इज अ हॉट पोटैटो इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एबॉर्शन को लीगल करना एक क्या है, हॉट पोटैटो है, कंट्रोवर्शियल इशू है बहुत सारी कंट्री में, क्योंकि तो इसको लीगल नहीं कर सकते एबॉर्शन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ हाउस ऑफ कार्ड्स, मतलब ताश का घर, अगर आप ताश के पत्ते का घर बनाते हो तो क्या होगा, इनसिक्योर होगा, किसी ने फूंक मार दी वो पूरा का ढह जाएगा, ठीक है, तो वो असुरक्षित होगा। आप सेंटेंस देख लो। हिज प्लान्स कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स व्हेन इट केम टू ग्राउंड रियलिटी, ठीक है, उसके जो प्लान थे वो क्या हो गए, बिखर गए, असुरक्षित है, ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, क्यों, क्योंकि उनका जो प्लान था वो सॉलिड नहीं था, तो जैसे ही आप उसको ग्राउंड में लाए, रियलिटी में लाए, वो आपका प्लान हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह तहस नहस हो गए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है
किक इन द टीथ, ठीक है, किसी के जबड़े पे आप लात मारोगे, ठीक है, उसके दांत वाले जबड़े पे, तो उसको क्या लगेगा, जबरदस्त झटका लगेगा, ठीक है। आपके दांत पे अगर किसी ने जम के एक किक मार दिया तो क्या होगा, आपको बहुत जबरदस्त झटका लगेगा, अग्रेव सेटबैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अग्रेव सेटबैक, ऐसा लगेगा कि आप कब्र के रास्ते चले गए, ठीक है, आपको बहुत तेज झटका लगेगा। सेंटेंस देख लो, लूजिंग माई जॉब आफ्टर माई कार ब्रोक डाउन वॉज अ रियल किक इन द टीथ। क्या हुआ कि मेरा जॉब भी चला गया, मेरी कार भी टूट गई, खराब हो गई, तो वो मेरे लिए क्या था, बहुत ही जबरदस्त झटका था। लूजिंग दैट गेम वॉज अ रियल किक इन द टीथ। या फिर आप ऐसे यूज कर सकते हो कि उस गेम को हारना मेरे लिए क्या होगा, एक जबरदस्त झटके के रूप में लगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ लेम एक्सक्यूज, मतलब क्या है, लेम एक्सक्यूज दे रहे हो, मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहे हो जिससे कोई भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि क्या हुआ कल तुम क्यों नहीं आए, तो मैं जल्दी सो गया था। क्यों सो गए थे, क्योंकि मैं थका था। थकने से सोने से कोई एक्सक्यूज का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको काम करना है तो आपको करना है, आपको स्टडी करना है तो स्टडी करना है, आपको कोई भी लेम एक्सक्यूजेस नहीं देना है कि नहीं मेरे यहाँ लाइट चली गई थी, कल ज्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने नहीं पढ़ाई की, ठीक है। इफ यू आर स्केयर्ड टू डू इट जस्ट से सो, बट डोंट मेक अ लेम एक्सक्यूज। अगर आप किसी भी चीज से डरते हो करने में, तो डायरेक्ट बोलो कि नहीं मेरे से ये चीज नहीं होगा, मुझे डर लगती है, उसके बारे में कोई लेम एक्सक्यूजेज मत बताओ, ठीक है, कोई अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन मत दो, ठीक है। आप बोल रहे हो क्या कि नो टाइम, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, तो टीवी देखना छोड़ दो, टाइम मिल जाएगा, ठीक है। पैसे नहीं है तो कोई जॉब कर लो, पैसे आ जाएंगे, ठीक है, तो एक्सक्यूजेस देना छोड़ दो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ लाफिंग स्टॉक, मतलब क्या होता है, हंसी का पात्र, जिस पे आप हंसोगे तो वो क्या होगा, हंसी का पात्र ही होगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर और एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुल, जिसका आप मजाक उड़ाओ या जिस ऑब्जेक्ट पे आप हंसो उसी को बोलते हैं अ लाफिंग स्टॉक। जैसे देख लो इनकी हरकतें देख लो, ऐसे पैर को बांध के ऐसे, तो ये क्या है, एक लाफिंग स्टॉक है। लोग आएंगे जाएंगे तो इनको देख के हंसेंगे कि ये कैसे मूर्ख है, कैसे बैठे हुए हैं पैर को ऐसे करके, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो आप सेंटेंस में, द होस्ट मेड अ मिस्टेक इन सेइंग नेम ऑफ द विनर एंड इंस्टेंटली बिकम अ लाफिंग स्टॉक। जो होस्ट था किसी भी कार्यक्रम का, उसने जो विनर था उसका नाम लेने में क्या की, गलती कर दी, ठीक है, तो क्या हुआ, इंस्टेंटली वो क्या बन गया, एक हंसी का पात्र बन गया, ठीक है। जैसे आप कुछ बोल रहे होगे, अचानक से आप कुछ गलत बोल दो तो आप क्या हो जाते हो, हंसी के पात्र हो जाते हो, मतलब क्या, आप एक लाफिंग स्टॉक हो जाते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अलीन पैच, मतलब क्या है, अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, आपका ऐसा काल या ऐसा समय का दौरान है जिसमें आप क्या करो, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हो, ठीक है। एक टाइम था जब विराट कोहली बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दे रहा था, कभी जीरो पे आउट हो जा रहा था तो कभी कैच छोड़ दे रहा था, तो उसके लिए क्या था, एक लीन पेज था, असफलताओं का समय था, अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है, आप याद रखना, तो आप इससे रिलेट कर पाओगे, क्रिकेट बहुत ही सबका फेवरेट होता है तो ये इमेज देखोगे तो चीजें लंबे समय तक आपको याद रख, ठीक है। विराट कोहली लॉन्ग लीन पैच हर्टिंग इंडिया विल सेलेक्टर मेक अ बोल्ड कॉल, ठीक है, सेंटेंस में आप ऐसे यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बाएं हाथ से आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, ठीक है। जनरली बाएं हाथ को अच्छा नहीं माना जाता, अपमानजनक माना जाता है, जैसे आप किसी को पैसे देते हो तो राइट हैंड से देते हो, क्योंकि राइट हैंड को बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है, तो आप बाएं हाथ से किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हो, ठीक है। एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज अ प्रेज, ठीक है, आप कैसा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, तो एम्बिगुअस दे रहे हो, मतलब कि जो अनक्लियर होगा, समझ नहीं पा रहा हो कि आप उसको उसकी प्रशंसा कर रहे हो या उसकी क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा जब आप किसी को बात बोलते हो या इंसल्ट करते हो, तो उसके लिए आप यूज करोगे इडियम अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे सेंटेंस देख लो, योर सन इज मोर हैंडसम देन आई वुड हैव एक्सपेक्टेड,
ठीक है, तो ये क्या है, एक लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कह रहा है कि जैसा मैंने आशा किया था उतना तो नहीं है आपका बेटा हैंडसम, लेकिन हाँ हैंडसम, मतलब क्या, उसको अपमानजनक टिप्पणी दे रहा है। ठीक है, जैसे देख लो, सी सेड सी लाइक्ड माई हेयर बट इट टर्न आउट टू बी अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट वेन सी आस्क हाउ लॉन्ग आई वुड बीन डाइंग। उसने कहा कि तुम्हारी बाल जो है वो तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसने क्या किया कि प्रशंसा तो की लेकिन साथ ही साथ एक अपमानजनक टिप्पणी भी दी कि कब से तुम ये डाई वाई कर रहे हो, मतलब कहने का ये सेंस था कि पहले तुम्हारे बाल अच्छे थे अब उतने अच्छे नहीं रहे। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, अ लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। ठीक है, अब चीते को देखा होगा, चीता जो होता है, लियोपार्ड होता है, उसके बॉडी पे क्या होता है, स्पॉट होता है, तो वो उस स्पॉट को कभी भी बदल नहीं सकता है। मतलब क्या है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर, तो किसी के चरित्र को बदलना क्या है, असंभव है। अब कितना भी कोशिश कर लो उसका जो चरित्र होगा वो रहेगा ही, कोई किसी से जलन की भावना रखता है उसका वो चरित्र है, तो अब कितना भी उसको अच्छा बता दो कुछ भी कर दो वो जलन करेगा ही करेगा। ठीक है, उसको हमेशा उससे भी अच्छे की चाह रहेगी। सेंटेंस देख लो, द टीचर ट्राइड टू बी अ काइंड टू हर स्टूडेंट बट अ लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स सी वाज स्टिल वेरी मीन। शिक्षक कितना भी चाहे कि मैं अपने बच्चों के साथ काइंड रहूंगा लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे सिचुएशन आती है कि उनको क्या करना पड़ता है, हार्स होना पड़ता है। तो आप यहाँ पे सेंटेंस के जगह पे आप इडियम यूज कर सकते हो, अ लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट इडियम कौन सा है। तो हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। ठीक है, एक छोटी चिड़िया ने मुझे ये बात कहा। तो आप कब यूज करते हो, जब आप चाहते हो कि जो स्पीकर है, ठीक है, जिसने मुझे वो इन्फॉर्मेशन दी है, मैं उसको क्या रखूं, उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखूं, तो क्या बोलते हैं कि एक छोटी चिड़िया ने मेरे कान में आके कहा है। तो चिड़िया तो आके नहीं कहती, कोई बंदा होगा या कोई बंदी होगी, कोई पर्सन आके ही कहता है, लेकिन आप उसकी आइडेंटिटी को जाहिर नहीं करना चाहते हो, तब आप इसको यूज करते हो। यूज टू इंडिकेट दैट द स्पीकर नोज समथिंग बट चूज टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ देयर इन्फॉर्मेंट सीक्रेट। ठीक, तो जिसने आपको खबर दी है उसको आप क्या रखते हो, गुप्त रखते हो, अपने गुप्तचर को गुप्त रखते हो। सेंटेंस देख लो, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी डैट यू आर प्लानिंग टू लीव द कंपनी, इज दैट ट्रू। एक छोटी चिड़िया ने कहा मुझे उड़ते उड़ते खबर आई है कि तुम प्लान कर रहे हो कि मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा, क्या ये सच है? तो ऐसे आप सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हो। जैसे आप अपने दोस्त के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानते हो कि उसकी गर्लफ्रेंड या बंदी चीट कर रही है, तो आप बोले हो कि एक छोटी चिड़िया ने मुझे कहा था कि दिस 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 इंफॉर्मेशन, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब क्या, अनुकूल भावना, फ्रेंडली फीलिंग। ठीक है, जब आपके फ्रेंडली फीलिंग्स आएंगी किसी के प्रति, तो आप बोल सकते हो अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड। सेंटेंस देख लो, आई फेल्ट अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड व्हेन आई मेट हर एट द एयरपोर्ट। ठीक है, मेरा थोड़ा सा फ्रेंडली फीलिंग आया जब मैं उससे मिला, कहाँ, एयरपोर्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है, अलाइव वायर, मतलब क्या है, जिंदा दिल व्यक्ति, लाइवली एंड एक्टिव पर्सन, ऐसा पर्सन जो क्या हो, जिंदा दिल हो। अब देखा होगा आपने लाइव वायर, अगर उसको आप छू लो तो क्या होगा, आपके अंदर ताजगी आ जाएगी, ठीक है, आप बहुत ही जिंदा दिल व्यक्ति हो जाओगे। याद रखना, लाइव वायर रेड से लिखा हुआ, तो रेड वायर लाइव वायर होता है, ठीक है, वायरिंग में, और उसके अंदर करंट फ्लो करते रहता है तो क्या होता है, एक्टिव होता है। सेंटेंस देख लो, सी इज अ वंडरफुल गर्ल, अ रियल लाइव वायर एंड फुल ऑफ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सा इडियम है। तो नेक्स्ट है, अलॉट ऑन योर प्लेट, ठीक है, आपके प्लेट में बहुत सारी चीजें, मतलब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, आपके प्लेट में बहुत सारी चीजें होना मतलब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो खाने की हो, किसी भी चीज की हो, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपको, जैसे कि आप एग्जाम्पल से ऐसा समझ लो प्लेट में कि बर्गर भी रखा है, ग्रेप्स भी रखा है, डोनट भी रखा है, बनाना भी रखा है, वेजिटेबल्स भी रखा है, तो आपके प्लेट में बहुत सारे सामान है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, आपकी जिम्मेदारी कि आप सारी चीजों को अच्छे से खाओ। ठीक
टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ, आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो या हैविंग मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बहुत सारी जिम्मेदारी हो, तब बोल सकते हो अ लॉट ऑन योर प्लेट। सेंटेंस देख लो, आई कांट गो टू प्ले विथ यू, आई हैव लॉट ऑन माई प्लेट राइट। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं जा सकता हूँ क्योंकि तो मेरे पास बहुत सारी अभी जिम्मेदारियां हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ मुझे डील करना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर्स, कैसा व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी चिट्ठियां हैं। ठीक है, तो वो बहुत विद्वान होगा तभी तो उसको लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं कि आप उसको पढ़ो, उसके बारे में आप कुछ जानकारी दो। ठीक है, तो प्रोफिशिएंट इन लिटरली आर्ट, उसी को बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, उसके पास बहुत सारे लेटर है, मतलब कि वो आर्ट में, लिटरली आर्ट में क्या प्रोफिशिएंट है, निपुण है, बहुत ही विद्वान है। जैसे आप देख लो बी आर अम्बेडकर जी हैं, तो बी आर अम्बेडकर इज नोन एज अ मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, ये किस रूप में जाने जाते हैं, तो विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। अब इनको याद रखना, मैन ऑफ लेटर्स से बी आर अम्बेडकर को, तो आप खुद ब खुद इसके आंसर पे पहुंच जाओगे, इसके मीनिंग को समझ पाओगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्पिरिट, मतलब क्या है, उस आदमी के अंदर क्या है, स्पिरिट है, मतलब बहुत ही साहसी आदमी है, अ वेरी कॉरेजियस मैन। कोई भी काम बोले, बोलेगा चलो करते हैं, उसके अंदर स्पिरिट है कुछ भी करने की। तो अ मैन ऑफ स्पिरिट मतलब क्या होगा, अ वेरी कॉरेजियस मैन। याद रखना भगत सिंह को, भगत सिंह क्या थे, अ मैन ऑफ स्पिरिट, भगत सिंह वाज अ मैन ऑफ स्पिरिट, बहुत ही साहसी आदमी थे, कॉरेज बहुत था उनका। ठीक है, तो ऐसे आप चीजों को रिलेट करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा और आप उसके मीनिंग को भी समझ पाओगे और कभी नहीं भूलोगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है, अगर आप स्ट्रॉ, आपने देखा होगा कि घास फूस स्ट्रॉ से आप किसी आदमी को बनाओ तो क्या होगा, बहुत ही कमजोर होगा, लचीला होगा। आपने देखा होगा कि खेतों में स्केयर क्रो होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बिजू का, तो किससे बना होता है, स्ट्रॉ से बना होता है, ज्यादा हवा चलेगी तो टूट के गिर जाएगा। ठीक है, तो वो किससे बना होता है, स्ट्रॉ से, तो कोई आदमी स्ट्रॉ से बना होगा तो क्या होगा, बहुत ही कमजोर होगा, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वीक पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कमजोर हो, लगता हो जैसे कि वो कुछ खाता पीता नहीं हो। सेंटेंस देख लो, द किंग बींग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, हिज ऑर्डर्स वेयर ऑफन डिसऑबे, जो राजा है वो बहुत ही कमजोर व्यक्ति है, तो वो कोई भी ऑर्डर देगा तो लोग क्या करेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आप पिक्चर से याद रखना, मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का एक आदमी बना हुआ, बिजुका को याद रखना, स्केयर क्रो बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ मेयर्स नेस्ट, मेयर्स मतलब क्या होता है, घोड़ी, घोड़ी का कभी भी आपने घोंसला देखा है, ठीक है, नहीं देखा है, मतलब क्या है, एक इल्यूजनरी डिस्कवरी है, आप ऐसे जटिल या भ्रामक स्थिति, आप भ्रम में हो कि घोड़ी ने क्या बनाया, एक घोंसला बनाया, ऐसा सिचुएशन हो ही नहीं सकता, ये क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर इल्यूजनरी डिस्कवरी। ठीक है, देख पा रहे हो ऐसे कि घोड़ी कभी रहती है ऐसे घोंसले में, नहीं ना, तो ये एक भ्रम पैदा करने वाली स्थिति है। ठीक है, द टैक्स लॉ इन दिस कंट्री आर अ मेयर्स नेस्ट दैट नो बडी फुली अंडरस्टैंड, जो टैक्स के कानून है वो क्या है, इल्यूजनरी डिस्कवरी है, जिसके बारे में लोग कभी भी फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, या फिर एक डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसके बारे में आपको फुली इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिल सकती, कि कहाँ से टैक्स आया, कैसे आया, कितना परसेंट आ रहा है, क्या जा रहा है, आपको पूरा खबर नहीं होगा, ऊपर ऊपर का ही खबर होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ मंथ ऑफ संडे, ठीक है, ऐसा महीना जिसमें सिर्फ संडे 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 हो, ठीक है, तो बहुत सारी छुट्टियां हो जाएगी, तो बहुत ही क्या होगा, लंबा समय हो जाएगा, अ लॉन्ग टाइम, उसके लिए यूज करते हैं, लंबे समय के लिए यूज करते हैं कौन सा इडियम, अ मंथ ऑफ संडेज। ठीक है, आई विल टेक अ मंथ ऑफ संडेज टू गेट थ्रू ऑल दीज इनवॉइसेस। ठीक है, ये बंदा बहुत ही परेशान है कि इतने सारे इनवॉइसेस है, ठीक है, इनवॉइसेज है, तो इतने सारे इन्वाइसेज को देखने के बाद क्या कह रहा है, कि मुझे एक लंबा समय चाहिए, ठीक है, एक लंबी छुट्टी चाहिए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, उसको क्या बोलते हैं, और हिंट क्या है आपके लिए, पिक्चर ही हिंट है, देख पा रहे हो कुछ है,
ठीक है, इसी से रिलेटेड इसका एक ईडियम है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या क्या और चीजें चाहिए, किन टॉपिक्स पर आपको क्लासेस चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।